राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल हुए 10वीं क्लास के छात्र देवराज की 4 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष के बाद सोमवार को मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद शहर में तनाव फैल गया, जिसकी वजह से पुलिस ने धारा 144 लगाकर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। देवराज की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर के कलेक्टर अरविंद पोस्टवाल ने बताया कि छात्र की मौत से कुछ समय पहले ही उसकी बहन ने अस्पताल में देवराज की कलाई पर राखी बांधी थी। छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह ले जाया गया, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मंगलवार सुबह छात्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह घटना शुक्रवार को तब हुई थी जब सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास के छात्र अयान शेख ने देवराज को चाकू घोंप दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना के बाद उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया और लोगों की भीड़ ने कारों में आग लगाकर पथराव किया। आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया गया है और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र की मौत के बाद घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के कलेक्टर, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे। इस बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आरोपी छात्र अयान के घर को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि घर वन भूमि पर बना था, इसीलिए मौजूदा नियमों के तहत इसे ध्वस्त कर दिया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।